स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं आपके लिए आज मटेरियल बजट। पिछली वीडियोस में मैं आपको लगातार बताता रहा हूं कि हमने पहले बजट को समझा, फिर उसमें मैंने आपको सेल्स बजट से प्रोडक्शन बजट, ठीक है, प्रोडक्शन बजट से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मटेरियल बजट कि उस प्रोडक्शन के लिए हमें कितना मटेरियल चाहिए, इसकी प्लानिंग हम करते हैं। ठीक है, तो इसकी प्लानिंग हम कर रहे हैं, तो स्टार्ट कर लेते हैं एक न्यूमेरिकल जिसके थ्रू हम मटेरियल परचेज बजट कैलकुलेट कर सकें। देखिए, किसी भी गुड्स को आप बनाएंगे तो उसमें रॉ मटेरियल चाहिए, लेकिन रॉ मटेरियल कितना चाहिए ये बेस्ड करता है प्रोडक्शन पर कि आपको कितना प्रोडक्शन चाहिए। क्लियर है ना मेरी बात? तो आइए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है द सेल्स डायरेक्टर ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिपोर्ट्स दैट नेक्स्ट ईयर ही एक्सपेक्ट टू सेल 54,000 यूनिट, यानी अगले साल हम 54,000 यूनिट सेल कर पाएंगे। थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, 54,000 यूनिट का सेल की डिमांड है हमारी कि 54,000 यूनिट हमें सेल कर पाएंगे। द प्रोडक्शन मैनेजर कंसल्ट हर स्टोर कीपर एंड कास्ट हिज फिगर एज फॉलोज, और वो अपनी डिटेल्स बता रहा है हमें। डिटेल क्या कह रहा है कि दो तरह का मटेरियल लगता है इस गुड्स को बनाने में जिसकी हम 50,000 यूनिट बेचने वाले हैं, ए और बी, रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, और ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड 2 यूनिट ऑफ ए एंड 3 यूनिट ऑफ बी। 2 यूनिट ए की चाहिए और 3 यूनिट बी की चाहिए। तो कोई बहुत ज्यादा टेक्निकली नहीं है, थोड़ा लॉजिकल आप समझिए कि अगर मुझे 54,000 यूनिट बेचनी है तो रॉ मटेरियल के लिए 2 यूनिट इसकी चाहिए 54,000 इंटू 2, 3 यूनिट इसकी चाहिए 54,000 इंटू 3, सिंपली। लेकिन क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक भी तो हो सकता है, और वो देखिए क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक फिनिश्ड का भी हो सकता है, WIP का भी हो सकता है, रॉ का भी हो सकता है। तो आपको समझना होगा कि किस किस में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। अब यहां पर दी हुई है मुझे सेल्स, मुझे सबसे पहले चाहिए प्रोडक्शन कि मुझे कितनी यूनिट का प्रोडक्शन करना है। तो ये जो मेरे पास फिनिश्ड यूनिट है 54,000, तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगा सबसे पहले किस चीज में? प्रोडक्शन में। तो कैसे निकालते हैं प्रोडक्शन? यानी कि सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो निकल कर आ जाएगा प्रोडक्शन, हम इतनी यूनिट बनाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन निकल कर आ जाएगा हमारा। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। वो हमसे कहता है कि फिनिश्ड यूनिट का, ये क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक और दिए हुए हैं, वो कह रहा है फिनिश्ड की 10,000 यूनिट ओपनिंग में है, और ए और बी का भी ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, लेकिन वो तो रॉ मटेरियल है हमारे पास। इसी तरह से क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, फिनिश्ड का भी और रॉ मटेरियल का भी। तो सबसे पहले तो फिनिश्ड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन निकालना है कि कितनी यूनिट का आपको प्रोडक्शन निकालना है। आइए क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन में, भाई 54,000 यूनिट आपको सेल करनी है, क्लोजिंग स्टॉक है मेरे पास 14,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 14, और ओपनिंग स्टॉक कितना है 10,000, यानी कितना हो गया 58,000, यानी कि 58,000 यूनिट का मुझे प्रोडक्शन करना है। 58,000 यूनिट का क्या करना है मुझे? प्रोडक्शन, जिसमें 2 यूनिट ए की लगेंगी, 3 यूनिट बी की लगेंगी। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास जो कितनी यूनिट चाहिए ये निकल के आ जाएंगी ए प्रोडक्ट की, बी से मल्टीप्लाई कर दो तो कैलकुलेट आ जाएगा कि कितनी यूनिट मुझे चाहिए बी की, यानी कि रॉ मटेरियल की। परचेज करना है ना आपको, आप क्या निकाल रहे हैं? आप प्रोडक्शन नहीं निकाल रहे, प्रोडक्शन तो मैं निकाल लिया। प्रोडक्शन में कितनी यूनिट मुझे ए की खरीदनी है, कितनी यूनिट मुझे बी की खरीदनी है। तो इतनी यूनिट को बनाने के लिए 2 यूनिट ए की चाहिए, यानी 116,000 यूनिट तो ए प्रोडक्ट ही खरीदनी है आपको, और 58,000 इंटू 3 174,000 यूनिट आपको बी की खरीदनी है। लेकिन क्या इतनी ही खरीदनी है? क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक भी तो है कि भाई इतनी यूनिट तो मुझे प्रोडक्शन के लिए चाहिए ही चाहिए। अब इसके अंदर क्लोजिंग भी दिया है, ओपनिंग भी दिया है, तो भाई इतनी यूनिट तो मुझे प्रोडक्शन के लिए चाहिए, तो ऐड कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक कितनी आपको गोडाउन में हमेशा चाहिए, भाई गोडाउन में भी तो चाहिए लास्ट में। तो इतनी यूनिट तो मैं प्रोडक्शन में चाहिए, इतनी मुझे क्लोजिंग में चाहिए, यानी कि मुझे टोटल कितनी यूनिट चाहिए 1,29,000। यानी कि अगर मुझे, मैं ये कहता हूं कि इतनी यूनिट्स का मैं 58,000 यूनिट्स में बनाऊंगा, जिसमें एक ही दो के हिसाब से यानी 116,000 यूनिट लगेंगी, इसके अलावा
13,000 मुझे क्लोजिंग में चाहिए, तो इसका मतलब क्या, कितनी खरीदनी पड़ेंगी मुझे, 1,29,000 यूनिट मुझे खरीदनी पड़ेंगी। लेकिन कुछ पहले से भी तो पड़ी हैं, तो जो पहले से पड़ी हैं उन्हें हटा दीजिए। लेस ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक में है 12,000 यूनिट ए प्रोडक्ट के लिए, 15,000 यूनिट बी प्रोडक्ट के लिए। जैसे 13,000 यूनिट का क्लोजिंग है ए के लिए, 16,000 यूनिट का क्लोजिंग है बी के लिए। तो हमेशा रूल से यही है, सेल से प्रोडक्शन पे जाना है, क्लोजिंग प्लस करना है, ओपनिंग माइनस करना है। अब प्रोडक्शन से यानी कि जो आपको प्रोडक्शन में यूनिट चाहिए उससे आपको परचेज यूनिट निकालनी है, तो वही क्लोजिंग प्लस ओपनिंग माइनस। तो क्लोजिंग को जोड़ दिया है, ओपनिंग को घटा दिया है, यानी 1,16,000 यूनिट तो बनाने के लिए चाहिए, 13 मेरे पास क्लोजिंग में पड़ी रहेंगी, यानी कि मुझे चाहिए 1,29,000 यूनिट, लेकिन ऑलरेडी 12,000 यूनिट मेरे पास पहले से हैं, तो इसका मतलब है मुझे खरीदनी है 1,17,000 यूनिट ए की, इसी तरीके से 1,75,000 यूनिट बी की। तो हमारा निकल जाता है मटेरियल परचेज बजट। तो मटेरियल में हमने क्या क्या पढ़ लिया हमारा, तो इसी सीक्वेंस को पढ़ लीजिए, कंसेप्ट है ना हमारा। तो हम हर टॉपिक को कवर कर रहे हैं, इसके बाद हम सेलिंग ओवरहेड बजट की भाई इस पर हमारा कितना खर्चा आ रहा है। तो जनरली जितने बजट बनाए जाते हैं एग्जाम्स में होते हैं उन सब बजट्स को हम प्रिपेयर करेंगे, लेकिन जनरली जो मेन बजट होते हैं, जो मेन बजट होते हैं उनमें हमारे पास कैश बजट, फ्लेक्सिबल बजट, प्रोडक्शन बजट और सेल्स बजट ही होता है। बजट तो बहुत बनते हैं लेकिन मेन जो यूज होता है वो सबसे ज्यादा कैश बजट, लेकिन कैश के लिए कहीं ना कहीं सेल्स बजट बनाया ही होता है, और एक फ्लेक्सिबल बजट कि किस कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं। तो कंटिन्यू करते चले जाएंगे, अब हम अपनी जो वीडियोस के बाद कैश बजट को भी लेंगे, उसके बाद फिर उसके बाद फ्लेक्सिबल बजट भी लेंगे। तो आज की वीडियोस आपको कैसी लगी बताइए मुझे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी जो नई वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।